गाइस हम लोग आ चुके हैं और एक टीचर को मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिस्टी। तो क्या हुआ तय सो अभी गाइस निशू का जो है मिस्टी लास्ट वीडियो में देखा मिस्टी लेके गई थी निशू को हॉस्पिटल। तो जो डॉक्टर थी उन्होंने दवाई वगैरह भी दिया था, इंजेक्शन वगैरह भी दिए थे तीन चार दिन के लिए कि ये इंजेक्शन लगवाना सुबह और रात को, उससे आपका जो घाव है वो सूखेगा और थोड़ा आराम रहेगा। बट अभी एक ही दिन गुजरा है, मतलब कल ही निशू को ऐसे कल ही गई थी डॉक्टर को और सुबह सुई लगा था और रात को लगा था और आज लगा है। एक ही दिन में डॉक्टर ने बोला था थोड़ा सिकाई वगैरह करने के लिए उसको, है ना, डॉक्टर ने सिकाई बोला था करने के लिए। तो सिकाई वगैरह भी किया, बोला था कि थोड़ा थोड़ा तो दर्द होगा भाई, अब देखो घाव बढ़ गया है तो थोड़ा तो दर्द होगा, उसको जो पस होता है वो निकालना है आपको दबा दबा के हल्का हल्का, है ना। तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा निशू को, मतलब बहुत ज़्यादा वो रो रही है। अभी यहाँ पे नहीं है, वो बुआ घर गए हुए थे वो लोग वहाँ पे। अभी निशू को लेकर मम्मी आ रही है थोड़ी देर में, यहीं पे थोड़ी देर में निशू को लेकर आएंगे मम्मी घर पे। सो देखते हैं कंडीशन क्या है, अगर आज ही हो सकता है तो आज ही इमरजेंसी में उसको हो सकता है तो आज ही एडमिट कर देंगे निशू को हॉस्पिटल में ले जाके, और शायद आज ही, आज तो मुश्किल है। हमने डॉक्टर से बात किया कि आज सर्जरी होगी कि नहीं होगी, आज मुश्किल है, बोल रहे टाइम ख़त्म हो चुका है डॉक्टर का, पर आप लेकर आओ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, देखते हैं क्या ज़्यादा वैसा सिचुएशन होगा कि करना ही है तो फिर डॉक्टर को भी पार्ट टाइम लगाना पड़ेगा आज के लिए, है ना। अभी आ रही मम्मी लेकर, देखते हैं कैसा हालत है फिर मैं तो भाई क्या हो रहा है पता नहीं। तो गाइस अभी मिस्टी जा रही है हॉस्पिटल फटाफट, क्योंकि निशू आ चुकी है बाहर तक, तो घर पर नहीं बुला रहे हम, डायरेक्ट वहीं से वहीं हॉस्पिटल भेज देंगे। तो अभी मिस्टी जा रही है, उसके बाद पीछे से मैं भी चला जाऊँगा, पहले अभी जा रही है। हाँ सिचुएशन जैसा रहेगा वैसा, तो जाओ फटाफट जल्दी इनको फटाफट बाय। तो अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं और एक निशू को मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल दोबारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, चलते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाकर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी गाइस मैं आपके निशू के पास और निशू को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी उसने पूरा मेडिसिन लगा रखा है यहाँ पे डॉक्टर ने, बाकी अभी मैं आपको थोड़ा बहुत तो अभी निशू वहाँ पर बहुत ज़्यादा। सो गाइज मिस्टी गई है हॉस्पिटल, कार्तिक को लेकर जा चुकी है, और कार्तिक बोल रहा सॉरी निशू को लेकर जा चुकी है हॉस्पिटल वो, और यहाँ हम लोग घर पे कार्तिक को संभाल रहे हैं, केशव को संभाल रहे हैं, केशव को सालू दूध पिला रही है वहाँ पे बॉटल से, और इसकी केशव की आदत अच्छी है कि बॉटल से भी दूध पी लेता है। कार्तिक जब हुआ था तो भाई बिल्कुल बॉटल से नहीं पीता था, ये देखो कितना बोतल से दूध पी लेता, कितना अच्छे से बढ़िया है, सीख लिया इसने दूध से पीना, बोतल से पीना दूध। और यहाँ कार्तिक को होमवर्क मिला है गाइस, सो ये देखो होमवर्क में क्या मिला है, कार्तिक कलर गाइस टाइगर मिला है कार्तिक को होमवर्क में, कलर द टाइगर, कलर द टाइगर। कार्तिक इधर आओ, कार्तिक आओ जा, चलो होमवर्क करवा के चलो। टाइगर में कलर करेगा ये, हाँ बैठा बैठा उसको बैठा 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 ऊपर बैठा, उसी में देखना बैग में देखना, बैग में देख कोई आगे लक्षण में देख, किसी में तो होगा हो, मैं देख आउट चैन में देख, नहीं है पेन लेके जाते हैं नहीं इसको लिए भाई, कलर ही नहीं है पेन में, कलर इससे जो कलर वगैरह रहते हैं स्कूल में ही रहते हैं। सो अभी गाइस ऑपरेशन के लिए निशू का डॉक्टर रेडी है, मैं हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ अभी, फिलहाल नीचे बुला रहे हैं पैसे जमा करवाने के लिए, तो जा रहा हूँ पैसे जमा करवाने, साइन वगैरह भी करना, साइन तो शायद हर गुड्डू जी ने कर दिया है, चलते हैं नीचे फटाफट, उसको आराम मिले थोड़ा सा यार, बहुत तकलीफ है बेचारी। तो गाइज अभी साइन वगैरह कर दिया है नीचे मैंने नहीं गुड्डू ने किया है, और पैसे वगैरह जमा करवाए हैं ऑपरेशन के लिए, पूरे पैसे जमा नहीं करवाए, बाकी ऑपरेशन होने के बाद जो भी लगेगा मेडिसिन वगैरह और
मतलब जो चार्ज बचे ऑपरेशन के जो चार्जेस बचे वो सब मिला के जितना होगा उतना कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही हम लोग निशु को डिस्चार्ज करवाएं घर ले जाएं। वैसे डॉक्टर ने खुद ही बोला है कि हम आज दोपहर तक कर देंगे डिस्चार्ज, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंडीशन नहीं है। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसके लिए रोकते हैं एक दो दिन तक, लेकिन ये कोई उतना बड़ा कंडीशन नहीं है, इसके लिए वो आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। और अभी फ़िलहाल तो ऑपरेशन के लिए नीचे ले जाने वाले थोड़ी देर में निशु को, पापा भी बैठे हुए हैं, फूफा भी आए हुए थे साथ में मेरे, और अंदर बुआ है, मम्मी है, सबको ही है अंदर। तो अभी मेरे को कार्तिक को लेने भी जाना है, टाइम होने वाला है, तो मेरे को फिर यहाँ से जाना पड़ेगा थोड़ी देर में। अभी मुझे सुबह जब भी अंदर हो रहा है कुछ प्रोसीजर और मम्मी खड़ी है वहाँ पे, वहाँ से शायद शिफ्ट करेंगे ऑपरेशन थिएटर में। ये तो ऐसी ही है, मतलब जो रखते हैं ना पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद या जब एडमिट करते हैं, ये वैसा जगह है। यहाँ से अब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे, शायद ड्रेसिंग कर रहे हैं अंदर वो। सो अब नीचे ले जा रहे हैं, वो रहा व्हील चेयर आ गया निशु का, हम जाते नहीं कार्तिक के लिए, ठीक बात, छुट्टी होगा वाला टाइम पाओ कर। अब सर्जरी होने जल्दी के जा रहे हैं ना, कान नाक के पास पीछे सब उतरवा दे, कान नाक के पास पीछे सब उतरवा, मैं गहना सारा उतरवा दे, उतार दिया, उतार दिया जाते नहीं लेके आते नहीं कार्तिक, ठीक है। सो ये गाइस निशु ले जा रहे हैं नीचे, तो अभी हम लोग आ गए गाइस कार्तिक को ले। सो यहाँ से मैं घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा और फिर देखते हैं हॉस्पिटल में। अब मेरा कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल, पर मैं कॉल करके एक बार फिर भी पूछ लूँगा कि भाई आना है तो बता दो मुझे। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, हेलमेट पहनने से ना और गर्मी लगती है सर पे। मैंने सुना गाइस हेलमेट पहनने से बाल झड़ते हैं सर के, क्या ये सही है, कमेंट करके बताना। तो गाइस कार्तिक आ चुका है, चल रहे फटाफट, भूख लगी है, प्यास लगी है, दवाई लेना है, ये मेरे को दवाई लेना है मिस्टी वही सर्दी वाला। चलो तो अभी निशु गाइस घर पे आ चुकी है, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और अभी घर पे आके लेट गई, थोड़ी देर में आपको मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा उसको। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे केशव मिस्टी लेकर बैठी है केशव को। तो हो गया सब कुछ, भगवान के दुआ से सब चीज़ हो गया, भगवान के आशीर्वाद से पूरा सक्सेसफुल रहा। और अब चलते हैं, थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपको मैं, अभी डॉक्टर ने क्या क्या बोला है खाने के लिए, वो सब कुछ कुछ बताया है उसको। हाथ कट गया ना उसका, उंगली उसको ऑपरेशन बोल रही है वो। सो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ निशु को इंजेक्शन लगवाने के लिए, डॉक्टर ने दिया है इंजेक्शन लगाने के लिए। देखो इसकी हालत देखो एक बार, डार्क सर्कल्स कितने हो गए भाई इसको, चलते इसको सुई लगवा के फिर आराम करेगी आके। तो अभी गाइस यहाँ पे निशु बैठी है और अभी ड्रेसिंग करवा के आई है, और अभी नहीं मतलब सुबह करवा के आई थी दोपहर में, और बहुत पेन हुआ था निशु बहुत ज़्यादा, और अभी हम लोग उनको कैसा लग रहा था दर्द एक्सप्लेन कर रही थी, वो मुंह पे झलक रहा था। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।